बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। अभी अपना काम शुरू करते हैं, खोलते हैं सफ़ा नंबर 22। सफ़ा नंबर 22 पे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने छोटे अशकाल को बड़ी ए के साथ मिलाना है। क्या करना है, आज हमने छोटे अशकाल को बड़ी ए के साथ मिलाना है। स्वाद को छोटी शक्ल है स्वाद की, स्वाद को बड़ी ए के साथ मिलाए। स्वाद बढ़िए से, ज़ुआद बढ़िए ज़े, आइन बढ़िए ए, गाइन बढ़िए गए, फे बढ़िए फे, काफ बढ़िए के। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। स्वाद बढ़िए से, ज़ुआद बढ़िए ज़े, आइन बढ़िए ए, गाइन बढ़िए गे, फे बढ़िए फे, काफ बढ़िए के। इसी तरह ये छोटी शकादी में काफ गाफ लाम मीम नून है, इनको बड़ी ये के साथ मिलाते हैं। काफ बढ़िए के, गाफ बढ़िए गे, लाम बढ़िए ले, मीम बढ़िए मे, नून बढ़िए ने, हे बढ़िए है। ठीक है, अब हम इनको लिखते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये छोटी शक्ल है स्वाद की, स्वाद बढ़िए से, हमने लिखना है स्वाद बढ़िए से, ज़ुआद बढ़िए ज़े, आइन बढ़िए ए, गाइन बढ़िए गे, फे बढ़िए फे, काफ बढ़िए के, काफ बढ़िए के, गाफ बढ़िए गे, लाम बढ़िए ले, मीम बढ़िए मे, नून बढ़िए ने, हे बढ़िए है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया है पेज नंबर 22। आप लोगों ने सेम एज इट इज़ पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 करना है। अब हम करेंगे पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे है अल्फाज बनाएं। ये देखिए, उन्होंने मुख्तलिफ हरूफ दिए हैं, अलिफ के साथ मिला कर दिए हैं। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बे अलिफ बा, लाम अलिफ ला, पे ते लाम। बे अलिफ बा के साथ मिलाना है इन सबको और एक नया लफ्ज़ बनाना है हमने। ठीक है, अब जैसे कि ये देखें, ये बे अलिफ बा है, इसको मैं पहले लिख लूँगी यहाँ पर बे अलिफ बा। अब सबसे पहले मैंने लाम के साथ मिलाना है, लाम लिख दिया है बाद में, और ये क्या बन गया, बे अलिफ बा लाम बाल। क्या बन गया, बे अलिफ बा लाम बाल। अब बे अलिफ बा को मैंने मिलाना है ते के साथ। फिर पढ़ें बे अलिफ बा लाम बाल। अब नेक्स्ट जो है बे अलिफ बा को ते के साथ मिलाना। पहले हम लिखेंगे बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। अब हमने ते मिला दिया इसके साथ, तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया बात। बे अलिफ बा ते बात, बे अलिफ बा ते बात। अब फिर बे अलिफ बा लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसको मिलाते हैं पे के साथ। बे अलिफ बा पे बाप, ये एक नया लफ्ज़ बन गया बाप। बे अलिफ बा पे बाप, बे अलिफ बा पे बाप। अब बे अलिफ बा फिर लिखेंगे हम यहाँ पर, अब इसको मिलाएंगे हम लाम अलिफ ला के साथ। लाम अलिफ ला, बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला, बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला। अब फिर बे अलिफ बा लिखेंगे यहाँ पर, बे अलिफ बा, और ये भी बे अलिफ बा है, फिर बे अलिफ बा यहाँ पर लिखा, बे अलिफ बा बाबा, बे अलिफ बा बे अलिफ बा बाबा। फिर बे अलिफ बा लिखेंगे, और यहाँ पर एक ही लफ्ज़ रह गया, जीम अलिफ जा, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। मैं थोड़ा सा जूम करके अब आपको दिखाती हूँ ये न्यू वर्ड्स। ये देखें, बे अलिफ बा लाम बाल, बे अलिफ बा ते बात, बे अलिफ बा पे बाप, बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला, बे अलिफ बा बाबा, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा।
एक दफ़ा फिर मेरे साथ पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स हम लोगों ने जो कि बनाए हैं बेलिफ बा के साथ। बेलिफ बा लाम बाल, बेलिफ बा ते बात, बेलिफ बा बेलिफ बा बाप, बेलिफ बा लाम अलिफ ला बाला, बेलिफ बा बेलिफ बा बाबा, बेलिफ बा जिम अलिफ चा बाचा। आपने सेम एज इट इज़ ये काम करना है और कलर भी करने हैं पिक्चर्स पे, जो इर्द गिर्द पिक्चर्स बने हुए हैं, जिराफ बना हुआ है वो खा रहा है शाखें, शाख से तोड़कर पत्ते खा रहा है, ठीक है, इसमें कलर किया है। और इसका होमवर्क पेज जो है वो है पेज नंबर 25, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने पेज नंबर 22 से पेज नंबर 25 तक काम करना है, ठीक है, अपनी फर्स्ट टर्म की उर्दू की वर्क बुक पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।